आश्रम डाल के नहीं रखा है मैंने रंगोली, मेरे को भाड़ा चाहिए इधर का। ओ काका, मेरे पास भाड़ा देने के लिए पैसा रहता तो मैं देती ना, अचार तो नहीं डालती। गपरे, छह बच्चों को खाना खिलाना खाने का काम नहीं है ना, बहुत खर्चा है मेरे बच्चों का। अभी कल की बात ले लो, मेरा वो छोटा टंकी, उसका वो सांस लेने वाला पंप खत्म हो गया, उसका खर्चा। अभी काका आपको तो मालूम है ना कि मुंबई में से दो ही चीजें बढ़ रही है, एक महंगाई दूसरा गर्दी। अभी आप हेल्प नहीं करेंगे तो मैं अकेली जान अपना छह छोटा छोटा बच्चा लेके किधर जाएगी। मैं तो अभी पक गया हूँ हमेशा का तुम्हारा ये बोल बच्चन सुन सुन के। अब आखिरी बार तुम सुनो, तेरे को अगर जमता है ना तो रे, नहीं तो तेरा ये बोरिया बिस्तर निकल ना, तो निकल यहाँ से, मैंने ठेका दे रखा है। हार्ट अटैक आ जाएगा, बाहर सब कान लगा के सुनने के वास्ते खड़े रहते, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। अरे बच्चों की मेहनत की कमाई खाती है तू, तब तेरे को शर्म नहीं आती है? मुझे मेरे पैसों से मतलब है, मुझे ना तुमसे मतलब है तो तुम्हारे बच्चों से मतलब है। और वैसे भी भंगार थे ना वो तो भंगार थे, तो जो भंगार है ना वो घर में नहीं रखा जाता, वो सड़क पे जाए किधर भी जाए मेरे को मतलब नहीं है, तेरा भंगार तू रख। क्या बोला रे तू, मेरे बच्चों को भंगार बोला तू, मेरे बच्चों को? अरे भंगार तो तू है, तू भंगार, तेरा खानदान भंगार, मेरे बच्चे तो हीरा है हीरा। What? निकल पहली फुर्सत से, निकल इधर यहाँ से, वरना तेरी ऐसी हालत करेगी ना मैं कि तू अपना थोड़ा शीशे में देखने लायक नहीं रहेगा। ये तेरी खोली है ना, तेरी खोली है ना, मैं इधर ही रहेगी अपने बच्चों के साथ, तेरी खोली में रहेगी आखिरी सांस तक, इधर ही रहेगी, जिसको जो करना है जिसको बुलाना, जा बुला के लेकर आओ, मैं भी देखती हूँ कि कौन आकर मुझे मेरे बच्चों को तेरी खोली से निकालता है, जा। फिर पुलिस को आने दो, फिर देखते हैं। तू जो मेरे घर पे कब्जा करके बैठी है ना, हा? फिर तू और तेरी ये भंगार बच्चा पार्टी ना इधर कैसे रहती है? मेरे को डरा मत तू, निकल यहाँ से। तेरे बच्चों को भंगार बोलता है, मेरे बच्चों को भंगार नहीं बोलने का, समझा कि नहीं? आया बड़ा, क्या हो गया ना, मैं इतनी खत्म, निकलो ना यहाँ से, चलो। बोल बच्चन, तुम लोग को अलग से प्रवचन देना पड़ेगा। अमीर लोग जितना तो नहीं कमाते, पर अपन लोग भी पैसे ठीक ठाक कमाते हैं। सुना ना तुम लोगों ने, कितना खर्चा अपन लोग का, रहना खाना कपड़े दवाई। और मम्मी ने कहा ना, इस शहर में खाली दो ही चीज बढ़ रही है, एक महंगाई और दूसरा गर्दी। ये गर्दी वाली बात तो मेरे को मालूम नहीं, पर ये महंगाई वाली बात तो मैंने खुद टीवी पे सुनी है। दो लोग बोल रहे थे पेट्रोल डीजल सब बहुत बहुत महंगा हो गया यार। अबे यार लेकिन हम थोड़ी ना पेट्रोल डीजल पीते, दिमाग की बात कर। अरे पर तुम दाल रोटी पाव कड़ी तो खाते हो ना, अरे तेरे को क्या मालूम है, तेरे को मालूम है, तेरे को बोल है, तेरे को मालूम है। अरे शांत रहो। ओए चीकू, तेरे को मालूम है? हाँ वो तो मेरे को नहीं मालूम है। क्यों बोल रही है? माँ के बाद कभी करी नहीं इसने ये। अगर महीने का हिसाब करेंगे ना तो रोटी बनाने के वास्ते 50 किलो आटा लगता रहेगा। 50 किलो? अबे इतना आटा जाता किधर है, इतना तो मेरा वजन भी नहीं है। तो तू अकेला भी नहीं है ना, हम सब भी तो खाते हैं, सब में बढ़ता नहीं रहेगा। और दाल, हाँ दाल तो ढेकची भर के रहती है, 100 किलो किधर गई मालूम है नहीं। और इन सब में मम्मी का कितना पैसा खर्च होता होगा अपने ऊपर। वो काका मम्मी के बारे में अकड़म शकड़म कुछ भी बोले, उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। हाँ। क्यों? क्योंकि वो बाहर का है, जब अपने ऊपर तूफान आएगा ना तो बाहर की दुनिया से कोई नहीं आने वाला अपन लोग को बचाने के वास्ते। अपन सबको ना एक दूसरे का खुद ही थामना है। क्यों? क्योंकि अपन लोग एक फैमिली है, फैमिली से बढ़कर ना कुछ नहीं होता, समझ रहे हो ना तुम लोग? हाँ चीकू सही बोल रही है। हाँ चल चीकू सही बोल रही है। अब तू भी अगर अपन लोग मम्मी की हेल्प नहीं करेंगे
तो कौन करेगा? पर अभी क्या हेल्प करें हम लोग मम्मी की? हाँ कुछ तो करना पड़ेगा, सोचो सोचो जल्दी सोचो। कहीं ऊपर की बात सच हुई तो, कहीं पायल हमारे आसपास हुई तो, कहीं ऐसा तो नहीं है ट्रस्ट फॉर्म करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, पायल के मिलने की उम्मीद छोड़ रहे हैं। पायल के वापस आने की उम्मीद को मैं भी खोना नहीं चाहती थी, पर इन 7 सालों में मेरी ये उम्मीद भी मुझसे छीन ली मिले। साइन कर ले बेटा। मिलिंद, मेरा विश्वास जीत गया, हमारी पायल मिल गई अलेक्जेंडर हैम्पटन रोड के पास। चीकू, आपन चोरी करेंगे, पकड़े गए तो डेंजर कोली से भी बड़े जेल में भिजवाएगी तू हम सबको। चीकू हाँ टंकी, तू टेंशन काय को ले रहा है, अपन इधर चोरी नहीं करेंगे। तू क्या करने वाली है बता ना। धमाल धमाल। तुमने पता क्या ये लड़की कब खोई थी? वो मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो बच्चे हमारी पायल हो सकती है। मिलिंद हमारी पायल, प्लीज प्लीज चलो। नुपुर नुपुर एक मिनट, शांत हो शांत, आइए एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। प्लीज जल्दी चलो, जल्दी चलो। किसने बंद किया यार ये? अरे म्यूजिक बंद कर रहे यार, अभी तो गुड़लक की गुड़लक बजना शुरू हुई थी, ये म्यूजिक कौन बंद किया? हमने बंद किया। हमारा इलाका है ये, तुम सब निकलो यहाँ से। तुम लोग हमसे बड़े हो तो डराओगे हमें? हम लोग तुमसे डरते नहीं है। नहीं डरते हम लोग तुमसे, हम लोग नहीं डरते, हम लोग ना तुम लोगों का अंडा पाओ बिच के आओ कर देंगे। कालिका कालिका ये तुम लोग का इलाका कालिका। वो देख, वाह। पढ़ना आता है मेरे को, अभी अभी बता तेरे को। रुको मेरा दोस्त अभी पढ़ना अलेक्जेंडर हम्पटन मेरे दादाजी थे, इसलिए इलाका हमारा है, समझे या समझाऊं? मैं ना बोल रही हूँ, सुनो सुनो सुनो, मैं ना 3 तक गिनूंगी, समझ गए ना? हाँ। अभी बताती हूँ, अभी 1 2
सॉरी। मार्केट में कब आपका हाथ छूट गया मुझे पता ही नहीं चला। सॉरी गाइस, रियली सॉरी। मुझे लगा अपनी पायल होगी, ठीक से इन्फो नहीं मिली थी मुझे। रियली सॉरी, मेरी पायल मुझे नहीं मिली। पर ये तो साबित हो गया है कि खोए हुए लोग मिल सकते हैं, चमत्कार हो सकते हैं, और ये चमत्कार जरूर होगा रीमा। एक दिन मुझे भी मेरी पायल ऐसे ही मिलेगी। इतना तो कसम से मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं आऊंगा। चीकू, मेरी सांस भूल गई, वो मरी हो गई है। तंगी, तू ज्यादा बात मत कर, तू सांस ले, ये। अभी कैसा लग रहा है? चीकू, जीतक मैं सब गया हाथ से। बस इतना ही बचा है। इसमें इसमें भरेगी मम्मी खोली का बाड़ा। ये तो चिल्ला रहे। बात तो तुझ में अब भी है रंगोली, नहीं? मुआ। कहा है मैडम, कंप्लेंट है आपके खिलाफ। 3 महीने से स्कूली का भाड़ा नहीं दिया बोल रहे थे। तो अरेस्ट करने को आया मेरे को? वारंट है? वारंट तो नहीं है, लेकिन एक अच्छा ऑफर है। इधर से निकल और मेरे घर पे शिफ्ट मार दे। अरे हंसने को क्या हुआ? रंगोली क्या रखा है इस खोली में? मेरे साथ चलना मेरे घर, मैं सच बोल रहा। मैं किधर बोली कि तू झूठ बोल रहा है? मैं जानती है गणपत कि तू सच बोल रहा है, पर तेरा प्रॉब्लम मालूम क्या है? तू हमेशा सच बोलता है, और मेरा प्रॉब्लम ये है कि जैसा तू बोल रहा है ना गणपत, मैं वैसा नहीं कर सकती। किधर लेके जाएगा मेरे को तू? अपने वो 10x10 के पुलिस क्वार्टर में? तेरे आई बाबा रहते हैं तेरे साथ, तेरी पूरी फैमिली रहती है, किधर रखेगा मेरे और मेरे 6 बच्चों को? कैसे रहेंगे हम? अरे रंगोली, मैं ऐसे थोड़ी बोल रहा हूँ कि पूरी जिंदगी उधर ही रहेंगे अपन। मैं लेगा ना बड़ा घर, तू हाँ तो बोल। कैसे लेगा तू? गणपत जिनके बड़े घर रहते है ना, वो तेरी तरह ईमानदार नहीं रहते। या तो ईमानदारी बड़ी रहती है या फिर बड़े घर, और फिर चाहे तू कितना भी बड़ा घर ले ले, मेरे सपनों के आगे ना तेरा बड़े से बड़ा घर भी छोटा पड़ ही जाएगा। तेरे को मेरी मदद करनी है ना, तो एक काम कर, अब भी इस खोली के मालिक के पास जा, देख कान के नीचे उसे दो और बोल वापस आके ना इधर भाड़ा नहीं मांगने का। जा, इतना तो कर ही सकता है ना मेरे लिए। रंगोली तू भी जानती है मैं ये नहीं कर सकता। अब 3 महीने तक अगर भाड़ा नहीं देगी तो सेठ तो निकालेगा ना घर से। प्यार से बात तो कर, 1 महीने का टाइम मांग ले। गणपत तू मेरी मदद नहीं कर सकता है ना, तो खाली पीली का ज्ञान नहीं देने का। तो एक काम कर, तू अपनी ड्यूटी पे जा, तेरी ड्यूटी का टाइम हो गया ना, तू उधर ही अच्छा लगता है, खाली पीली मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। जाना तो पड़ेगा, बैंड्रम एक मित्तल परिवार है, उनके घर पे बारात थी,
वहां से सामान चोरी होने का रिपोर्ट आया है। भक्तो कौन है? सुन, बहुत जल्द मैं अपने ईमानदारी के पैसों से बड़ा घर खरीदेगा और फिर तुझे वहां पे लेके जाएंगे। एक दिन उधर मेरा अपना खुद का घर रहेगा, मेरा अपना घर, बड़ा सा घर लेगी मैं। ये माचिस की डिब्बी से निकलकर मैं अपने घर में जाके रहेगी अपने बच्चों के साथ। मस्त लाइफ जिएंगे अपन। मैं वैसे भी प्यार और सपने एक साथ तो किसी के भी पूरे नहीं होते हैं ना। सपने तो कुर्बानी मांगते हैं। मैं दे रही है कुर्बानी, अपने प्यार की कुर्बानी। आई ये डिजाइन देखिए, कल के पायल मेमोरियल ट्रस्ट के इनॉग्रेशन के लिए स्टेज पे कुछ ऐसा सेटअप करेंगे, अच्छा लगेगा ना? कामिनी, पायल जा चुकी है, हमें अपनी खोई हुई बच्ची का गम है और इस तकलीफ में हमारा पूरा जोशी परिवार एक साथ है। हमारे कपड़े, हमारी तैयारी में ये बात दिखनी चाहिए। पर कल का फंक्शन पक्का है ना? मतलब मिलिंद ने हाँ नहीं बोला है और ना ही फाइल पे साइन भी किया है, तो तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा। ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।